स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसकी एक्सरसाइज 7.2। इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। ओल्ड एडिशन में हमारा ये एक्सरसाइज थी 8.2, तो हम ये 5 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में करेंगे। ड्यूरिंग अ सेल आ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। जब सेल चल रही है किसी शॉप के ऊपर, तो उन्होंने शॉप में क्या रखा है, एक ऑफर रखा है कि जितनी भी चीजें वहां पे सेल हो रही है उन सब पे 10% का डिस्काउंट है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट ₹1450। अब वहां पे जो दो जीन्स मिल रही हैं, पेयर ऑफ जीन्स मिल रही है, वो 1450 की मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, 10% डिस्काउंट है। और वहां पे दो शर्ट्स जो मिल रही हैं एंड टू शर्ट मार्क एंड 850 ईच, लेकिन एक शर्ट का जो प्राइस यहाँ पे 850 रुपीज है एक शर्ट का। तो दो शर्ट वो जो है कोई अगर परचेज करता है जिसने ली है, तो उसके ऊपर दो शर्ट के ऊपर 10% डिस्काउंट कितना होगा, और इसके ऊपर जो पेयर ऑफ जीन्स है दो जीन्स पे 10% डिस्काउंट कितना होगा, और पूरा का पूरा दोनों को मिलाकर जो है जो कस्टमर है उसने कितने पैसे जो है पे किए जीन्स के और शर्ट के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पेयर ऑफ जीन्स है वो है 1450 की, और डिस्काउंट कितना है उसके ऊपर 10%। तो जो हमें ये जीन्स है इसका 10% कितना होगा, 10/100 × 1450। 1450 तो जीरो से जीरो कट हो जाएगा यहाँ पे, और इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, तो 145 रुपीज जो है वो पेयर ऑफ जीन्स पे डिस्काउंट है। तो उस जीन्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जितना डिस्काउंट है और जितने की वो जीन्स उसके ऊपर मार्क था प्राइस पेयर ऑफ जीन्स पे, और जितना डिस्काउंट था दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो जीन्स का भी सेलिंग प्राइस हो गया 1305 ही उसका सेलिंग प्राइस हो गया जीन्स का। ठीक है, ऐसी दो शर्ट थी, एक शर्ट का प्राइस कितना था 850, तो दो शर्ट कितने की होंगी 1700 की। अब 1700 पे जो है 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट था हर एक पे, तो 10% × 1700 20 से 20 कट हो जाएगी, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 रुपीज, यानी कि दो शर्ट पे 170 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। अब दो शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, दो शर्ट का जो प्राइस था डिस्काउंट से पहले वो था 1700 और 170 रुपीज उसको डिस्काउंट मिल गया, अब उसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 1530 रुपीज। ठीक है, अब जो है कस्टमर ने कितना पे किया, जो उसका हमारा यहाँ पे जीन्स का प्राइस निकला था डिस्काउंट के बाद, और जो हमारा शर्ट का प्राइस निकला है डिस्काउंट के बाद, उन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके आया हमारा 2835 रुपीज। तो कस्टमर ने जो है वो इतना प्राइस जो है वो पे किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पेयर ऑफ जीन्स उसके ऊपर 10% डिस्काउंट निकाल लिया, जितने की जीन्स थी जितना डिस्काउंट आया था दोनों को माइनस कर दिया, फिर टू शर्ट के जो प्राइस हो गया उसके ऊपर हमने 10% निकाल लिया फिर माइनस कर दिया, तो दोनों का जो हमारा डिस्काउंट के बाद प्राइस आया था उसको हमने लास्ट में प्लस कर देना। ठीक है, प्राइस ऑफ टीवी 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट रेट 12%। एक टीवी का प्राइस दे रखा है और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो 12% है, तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। अगर विनोद इसको खरीदता है तो उसको कितने पैसे जो बाय करने पड़ते हैं, 13,000 के ऊपर 12% उसने क्या दिया है, टैक्स भी दिया, यानी कि 13,000 का हमें 12% निकालना होगा, 13,000 में हमें प्लस करना होगा, तो उतने ही रुपए जो है उसने विनोद ने पे किए हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे जो है लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का प्राइस कितना है 13,000, और रेट जो है सेल टैक्स का वो क्या है 12%, तो हम 13,000 का 12% 12% निकाल लेंगे, 12/100 × 13,000, 20 से 20 कट जाएंगी और 130 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 रुपीज जो है वो इसके ऊपर सेल टैक्स है टीवी के ऊपर, क्योंकि 13,000 तो देना ही देना है, उसके साथ हमें 1560 रुपीज भी जो टैक्स है वो भी पे करना है। सो द टोटल अमाउंट विच विनोद हैड टू पे फॉर द परचेजिंग टीवी 13,000 + 1560 रुपीज, टोटल उसको जो पे करना पड़ गया 14,560 रुपीज जो है उसको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन एज 20%, इफ द अमाउंट ही पे 1600 फाइंड द मार्क प्राइस। देखो अब अरुण ने ना स्केट्स लिए, पेयर ऑफ स्केट्स, ठीक है, स्केट्स हमेशा पेयर में आते हैं, दोनों पैर के आते हैं, तो पेयर ऑफ स्केट्स लिए उसने, उसके ऊपर उसको 20% डिस्काउंट मिला है, और जो उसको डिस्काउंट मिला है 20%, उसके डिस्काउंट मिलने के बाद जो है उसने 1600 रुपीज जो है पे किए हैं, तो जो उस स्केट के ऊपर मार्क प्राइस था
इसको आप कोस्ट प्राइस भी कह सकते हो, जो उसके ऊपर एमपी था यानी कि जो मार्क प्राइस था वो हमें निकालना है। एक तरह से हमें इसका कोस्ट प्राइस ही जो है वो निकालना है। तो उसको हम देखते हैं, सबसे पहले लेट द मार्क प्राइस ऑफ फेयर ऑफ स्केट रूपीज 100। हमने मान लिया कि जो स्केट से उसके ऊपर जो प्राइस मार्क्ड है वो 100 है, ठीक है, 100 रूपीज मान लिया। उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला, 20% डिस्काउंट है। तो अगर उसके ऊपर मार्क प्राइस 100 है तो हमें 100 का 20% डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 20% ऑफ एमपी यानी कि जो उसका मार्क प्राइस है, 20% ऑफ 100, एमपी कितना है पे मार्क प्राइस हमने 100 मान लिया, तो 20 अपॉन में 100 इंटू 100। अब 100 से 100 कट कर देंगे तो कितना आ गया, रुपीज 20, यानी कि इसके ऊपर 100 के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल गया, उसको 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी हमने 100 के अकॉर्डिंग निकाला है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो अभी हम 100 के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। हमारा मार्क प्राइस 100 है, डिस्काउंट हमें 20 रुपीज का मिला, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 80 रुपीज, ठीक है। अभी हमने ये 100 के हिसाब से सेलिंग प्राइस 80 रुपीज निकाल लिया। अगर जो इसमें हमें लिखा है कि जब हमारा सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है तो हमारा मार्क प्राइस क्या है, 100 रुपीज है जो हमने माना था। ऐसे अगर हमारा सेलिंग प्राइस 1 रुपीज होगा तो मार्क प्राइस क्या होगा, 100 अपॉन में 80 हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस 1600 रुपीज दे रखा है तो मार्क प्राइस क्या होगा, 100 अपॉन में 80 इंटू 1600। तो 20 से 20 हमारी कट हो जाएंगी और ये 10 से 10 कट हो जाएगी। 81 जा 8, 82 जा 16, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पे हमारा 100 ही रहेगा, यहां पे 10 से 10 हमारी जो है इधर कट हो जाएगी। मैं आपको यहां पर दोबारा करके दिखाती हूँ, 100 अपॉन में 80 इंटू 1600, तो यहां पे ये 10 से 10 कट हो जाएगी। 81 जा 8, 82 जा 16 और ये 0, 100 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपीज, यानी कि उस स्केट के ऊपर जो मार्क प्राइस था वो था 2000 रुपीज और 20% डिस्काउंट के बाद उसको मिला वो 1600 का। तो मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स हम लिखेंगे 2000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमारे दोनों सेम एक जैसे ही हैं। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। देखो इसमें बोला है कि उसने एक जो है बोला कि आई परचेज, मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया जिसके अंदर 8% वेट इंक्लूड है, ठीक है, यानी कि उसने 8% वेट भी इसी के अंदर दिया है। तो 8% वेट निकालने के बाद, 8% वेट लगने से पहले उसकी वैल्यू क्या थी हेयर ड्रायर की, हमें वो बतानी है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड, जब उसके अंदर वेट एड नहीं किया गया था तब उसकी हेयर ड्रायर की वैल्यू क्या थी। इसी तरीके से 11th भी है, एन आर्टिकल वॉज परचेज रूपीज दिस इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। यहाँ पे भी एक आर्टिकल है जिसका प्राइस हमें यहाँ पे दे रखा है और इसी के अंदर जो है 18% जीएसटी इंक्लूड है, जैसे इसके अंदर 8% वेट इंक्लूड है। तो जैसे हम 8% वेट से पहले की इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसे यहाँ पे 18% जीएसटी लगने से पहले की जो इसकी वैल्यू थी इसकी जो वो हमें वो जो इसका प्राइस था वो हमें निकालना है दोनों में। इसमें 8% वेट से पहले का, इसमें 18% जीएसटी से पहले की जो प्राइस है हमें इसमें दोनों में सेम उसी दोनों को हमने करना है एक ही जैसे, ठीक है। तो पहले हम 10th करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th। आपने इसको ध्यान से समझना है। कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर हमें दे रखी थी 1500 रुपीज, ठीक है। वेट कितना लगा हुआ इसके ऊपर, 8% लगा हुआ। यहाँ पे मान लो कि जो हेयर ड्रायर की जो एमपी है मार्क प्राइस है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, सॉरी जो एमपी है जो उसके ऊपर मार्क्ड है, हेयर ड्रायर के ऊपर मार्क्ड है एक्स रुपीज, ठीक है। अब हमने इसको एक्स मान लिया तो वेट अमाउंट हमारा किस पे लगेगा, जितना भी हमारा मार्क प्राइस होता है उसके ऊपर ही हमारा जो है क्या लगता है, वेट लगता है। तो मार्क प्राइस के ऊपर हमारा 8% वेट लग गया, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उस ड्रायर के ऊपर मार्क प्राइस क्या है, एक्स रुपीज। अब हमने क्या करना है, मार्क प्राइस का 8% निकालना है। तो 8 अपॉन में 100 इंटू एक्स, 8 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एक्स अपॉन में 100। तो ये तो इसका जो क्या आ गया, वेट अमाउंट आ गया, ठीक है, हेयर ड्रायर का। अब टोटल कॉस्ट क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे, जो इसका मार्क प्राइस है, ड्रायर का मार्क प्राइस और जो वेट दोनों को मिलाकर इसका जो प्राइस बना था ना, जो उसने पे किया था हेयर ड्रायर का,
यानी कि जो उसके ऊपर मार्क प्राइस था हेयर ड्रायर के ऊपर और जो उसने वेट दिया था, दोनों को प्लस करके उसने ये पैसे दिए थे। ठीक है, तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, 100 प्लस में 8x अपॉन में 100। ठीक है, तो हमारा जो है हमारा आ जाएगा 100 प्लस 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 500। यहाँ पे जो हमारा 100 है ना, वो हमने x को यहाँ पे 100 लिखा है। ठीक है, कि हमने मान लिया उसका मार्क प्राइस 100 है, तो यहाँ पे हमने 100 लिखा। एक इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सेम इसी तरीके से किया था, जहां पे हमने x को 100 लिखा था, तो यहां पर हमने लिख दिया कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है और 8x अपॉन 100 जो उसके ऊपर वेट लगा है और दोनों को मिला के ये जो है उसने वो पे किया है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें इसी तरीके से करना है। हमने क्या करा, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 प्लस 8x, तो हमारा क्या आ जाएगा, 108x आ जाएगा हमारा इधर, और इनटू जो हमारा इधर ये इसके साथ डिवाइड हो रहा, तो इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5400 इंटू 100। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कट कर लेंगे, पहले 2 से 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10 और 0, फिर 2 2 4, 2 7 14 और ये 2 25 हो जाएगा 2 से, उसके बाद 27 1 27, 27 2 54, 2 0 आ जाएंगी। अब 225 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000। ठीक है, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू निकली वो क्या निकली, 5000। x हमारा यहाँ पे क्या था, मार्क प्राइस ऑफ ड्रायर, जो हमें इसमें निकालना था, यानी कि जो प्राइस ड्रायर के ऊपर जो मार्क प्राइस था वो क्या है, 5000 रुपीज, और उसने उसके ऊपर क्या दिया था, 8% वेट दिया था, तभी उसने उसका कॉस्ट प्राइस क्या पे किया था, 5400 रुपीज, जबकि उसका मार्क प्राइस क्या है, 5000, जो भी हमने निकाला। आपको इसके साथ लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मार्क प्राइस उसका जो है ड्रायर का 5000 है, 8% उस पर वेट लगा और उसने 5000 पे 800 वेट निकालने के बाद, इनकी 5000 पे 800 वेट लगने के बाद उसने 5400 रुपीज जो है वो पे किए हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है, पहले आपने कॉस्ट प्राइस लिखना है हेयर ड्रायर का, फिर आपने वेट लिखना है, फिर हमने मान लिया था कि मार्क प्राइस ड्रायर का x है, फिर x के ऊपर जो है हमारा 8% क्या हुआ था, 8% अपॉन में 100, ये हमारा वेट अमाउंट है। उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो हमने मार्क प्राइस माना था m जो x और 8x अपॉन में 100, दोनों को प्लस करके जो उसने पे किया था वही है ये। हमने x को यहाँ पे 100 रखा कि मार्क प्राइस मान लो यहाँ पे 100 है, प्लस 8x अपॉन में 100, 5400, दोनों को हमने प्लस कर दिया, 8x 108 अपॉन में x, ये यहाँ पे आ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, x हमारा इधर हो गया, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होता है, इधर आके ये डिवाइड हो गया। कट करने के बाद हमारा कितना आया, 5000 रुपीज, उसकी x की वैल्यू निकल आई, मार्क ऑफ ड्रायर आ गया 5000 रुपीज। इसी तरीके से 11 है, यहाँ पे हमें आर्टिकल का प्राइस दे रखा है जीएसटी, उस पर 18% इंक्लूड करके ये उसका प्राइस है, तो विदाउट 18%, यानी कि 18% से पहले इसका क्या प्राइस था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है वैसे ही 11 करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो है हमारा यहाँ पे 1239 रुपीज। ठीक है, और ये हमारा जीएसटी है 18%, इसी के अंदर इंक्लूड है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी हमारा 18% है जो हमारा इसी के अंदर इंक्लूड है। हमने जो मार्क प्राइस मान लिया यहाँ पे x मान लिया, ठीक है, x रुपीज, तो हमारा जो मार्क प्राइस है ना इसके ऊपर 18% लगेगा, इसके आर्टिकल के ऊपर नहीं, इसमें तो पहले से इंक्लूड है, तो x जो मार्क प्राइस है उस पे 18% निकालने के लिए 18 अपॉन में 100 इंटू एक्स, 18 को x से मल्टीप्लाई किया, 18 अपॉन में 100। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम वैसे ही करेंगे, एक्स प्लस 18x अपॉन में 100, हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 100, तो यहाँ पे 100 को हमने 1 से किया, कितना आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने इन दोनों को प्लस किया, तो 18 1 को 100 से किया, तो 100 एक्स प्लस 18 को, पहले 100 को 1 से किया 1, ऊपर से 18 से किया तो 18x आ गया। ठीक है, नीचे से हम क्या करते हैं, डिवाइड और जो आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया 100x प्लस 18x अपॉन में 100, और ये जो प्राइस जो है उसने पे किया था वो हमारा इन दोनों को प्लस करके ये पे किया था, यानी कि जो मार्क प्राइस था और उसपे जो 18% जो हमारा टैक्स लगा था उन दोनों को प्लस करके उसने ये पे किया था, तो हमने इसी तरीके से निकालना है, तो हमारा ये आ गया। अब देखो हमने इन दोनों को क्या करा, प्लस कर दिया, और ये हमारा इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 118x हो गया, ये इन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स हमारा इधर आ गया, तो हमने लिख दिया
1239 इंटू 100 अपॉन में 18, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारा ये आ गया अपॉन में 180। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा एक्स आ जाएगा 1050 रुपीज, यानी कि जो आर्टिकल का जो प्राइस था वो था हमारा 1050 रुपीज, उसके ऊपर 18% जो है जीएसटी लगा, उसके बाद उसने ये पैसे जो है आर्टिकल के पे करे थे, ठीक है। तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 1050 रुपीज बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले इसका प्राइस ये था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यहाँ पे जो हमने इसको किया था ना, नीचे आप इसको इनको प्लस करने के लिए नीचे 1 यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने किया तो ये 100x हो जाएगा, 100x प्लस 8x, ठीक है, दोनों को प्लस किया तो हमारा 108x आ गया था। तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम के वे से करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे ही एक्स प्लस 8x अपॉन में 100, और ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में सेम वे है करने का, बस आपकी जो है यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, है बिल्कुल सेम। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11